Good morning, all of you. Today we will start the exact photosynthesis. In our last class we had discussed the introduction part of photosynthesis, in which we had completed the two types of reaction which are included in photosynthesis: light reaction and dark reaction, and structure of chloroplast also. So today we will start the first portion of photosynthesis, which is light reaction. Light reactions are also known as Hill reactions because Robert Hill discovered the Hill reaction. See, light reaction included 5 reactions, in which we have to discuss each and every reaction step by step. First reaction is excitation of chlorophyll molecule. किस तरीके से एक्साइट हो रहा है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे सनलाइट आए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी इनिशियल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज कर दिए जाते हैं. सो दिस रिएक्शन इज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. सेकेंड रिएक्शन फोटो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इन विच यू कैन सी दैट आई हैड राइट डाउन द टू रिएक्शन, इन विच फर्स्ट रिएक्शन इज ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल ब्रेक डाउन इनटू टू हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. देखिए, आप जब भी रिएक्शन लिखेंगे ना, आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए. हाइड्रोजन कितने थे अपने पास? 4 हाइड्रोजन थे. तो ये जो मैंने आपको 2 लिखा है ना, दिस इज टोटली रॉन्ग बिकॉज 2 यहाँ पे नहीं होगा. तो कंप्लीट डिलीटेड. देखिए, मैं पहला वापस लिख देती हूँ. फर्स्ट था एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. ठीक है, ये एक्साइटेड हो गया सनलाइट की वजह से, प्लस इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिलीज कर दिया. दूसरा है फोटो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर. क्या है फोटो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर? देखिए, मैंने आपको रिएक्शन पहले तो ये लिखाई, 2H2O विल कन्वर्ट इनटू H प्लस. देखिए, ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो ये तो O2 हो जाएगा, बट हाइड्रोजन 4 हो रहे, तो 4 हाइड्रोजन के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इफ वी आर यूजिंग 2 मॉलिक्यूल, अभी 4 हाइड्रोजन जो होते हैं ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे 4H+, मींस इन्हें हम बोलेंगे प्रोटॉन्स प्लस 4 ही इलेक्ट्रॉन्स में, है ना. या फिर अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल के लिए रिएक्शन लिखूं तो H2O विल हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, एंड दिस हाफ ऑक्सीजन इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. हम इसको ओ नहीं लिख सकते, सिंगल ओ नहीं लिख सकते, ये सिंगल बिकॉज इसका जो अस्तित्व होता है, जो ये सर्वाइवल करता है, ये O2 कंडीशन में ही करेगा या फिर O3 कंडीशन में करेगा. अब बिकॉज हम O2 लिख रहे हैं तो इसको क्यों ना हम हाफ O2 बना दें, ये 1 O ही रह जाएगा. दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हो गया आपका फोटो हाइड्रोलाइसिस का. ओके, देन थर्ड स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ NADPH2. इसके अंदर क्या है, NADPH2 बनेगा किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं NADPH2 क्या होता है. देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड एडेनिन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन हम इसके अंदर बाद में भी लिख सकते हैं, पहले लिख देते हैं डाइफॉस्फेट.
hydrogen. Nicotinamide, adenine, diphosphate, hydrogen. और exact क्या होता है? Nicotinamide, adenine, hydrogen, diphosphate. है ना? ऐसे इसको लिखा जाता है. ये क्या है? It is a energy currency. So one molecule of NADPH2 is equal to 3 molecule of ATP. One molecule of NADPH2 is equal to 3 molecule of ATP. ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इससे हम ATP ही बनाएंगे. तो पहला ये किस तरीके से फॉर्म होगा? अब देखिए, जो हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं ना, वन वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से दो हाइड्रोजन या दो H प्लस रिलीज हुए, तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इनटू NAD प्लस H प्लस, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट है. प्लस अब इसके पास एक H प्लस आ गया और ये कन्वर्ट हो गया NADPH2. इसमें कन्वर्ट हो गया NADPH2 और ये किसके बराबर है? 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर है. इसको हमने क्यों यूज किया है? फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2. CO2 को रिड्यूस करेंगे हम, CO2 को पूरा का पूरा इसका मॉलिक्यूल यूज करेंगे ताकि हम ग्लूकोज बना सके. तो उसका देखिए, वाटर का ब्रेकडाउन आपने समझ लिया. अब CO2 का जो है कंप्लीट रिडक्शन देखना है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज रिड्यूस्ड बाय 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. क्लियर? ये इस तरीके से NADPH2 का फॉर्मेशन होता है. थर्ड स्टेप है फोटोफॉस्फोराइलेशन. देखिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन इसमें क्या है? फॉस्फोराइलेशन एक रिएक्शन है जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप यूज होगा. और फॉस्फेट ग्रुप आप अभी से समझ लीजिए, जहां जहां फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन आएगी वहां एटीपी फॉर्मेशन होगा. तो हम ये क्यों कर रहे हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. कहीं ना कहीं हमें एनर्जी बनानी है. और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आपने देखा होगा क्लोरोफिन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए, तो वो रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स कोई ना कोई गेन करेगा. तो गेन करने वाला और प्लस इसके अंदर एटीपी फॉर्मेशन, वो इसके अंदर यूज. ठीक है? और क्योंकि ये सनलाइट से हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. उससे पहले हमें कुछ एक चीज पढ़नी पड़ेगी, जिसे हम बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये क्या होते हैं? लाइट को, सनलाइट को ट्रैप करने वाले कॉम्प्लेक्स है. देखिए किस तरीके से है, जिससे लीफ के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे इस तरीके से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना. इसके अंदर से ये जो सेंटर के अंदर है, दिस इज द क्लोरोफिल ए. ये क्लोरोफिल ए है. इसने क्या किया है? सनलाइट से एनर्जी को एब्सॉर्ब किया. और हर एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का डिफरेंट डिफरेंट एरिया होता है सनलाइट एब्सॉर्प्शन. डिफरेंट डिफरेंट एरिया होता है सनलाइट एब्जॉर्प्शन का, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नैनोमीटर की सनलाइट सारे के सारे पिगमेंट्स यूज करते हैं, उसको जो है गेन करते हैं. तो ये जो गेन करता है, इसकी खुद की स्पेसिफिक है, इट इज अबाउट 680 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. और स्पेसिफिक हम बोलते हैं 683 नैनोमीटर ये गेन कर लेता है. ठीक है? बाकी आसपास वाले क्या है? सपोज करते हैं हम यहाँ बोल रहे क्लोरोफिल बी है, ये सी है, ये ई है, वॉट एवर दे आर द पिगमेंट्स. ये क्या है? साइड पिगमेंट्स है. इन्हें हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स. दे आर नोन एज एक्सेसरी
पिगमेंट्स। अब ये क्या करेंगे, ये भी सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे, बट ये सारे के सारे अपनी सनलाइट जो है ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल ए ही एक्साइटेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो मेन जो रिएक्शन चलाने वाला है इसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन सेंटर। This is known as reaction center. और ये आसपास वाले जो भी है, these are known as accessory pigments और antenna molecule. क्या करते हैं antenna molecule? अपनी sunlight को transfer कर लेते हैं। ठीक है, किसको? Chlorophyll A को। अभी रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे हम दो टाइप के फोटो सिस्टम पढ़ते हैं। फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू, इन दोनों के अंदर अपने अपने रिएक्शन सेंटर होते हैं। जैसे फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर 680 नैनोमीटर वाला रिएक्शन सेंटर होता है, फोटो सिस्टम वन के अंदर 700 नैनोमीटर वाला रिएक्शन सेंटर होता है। 680 और 700 नैनोमीटर वाला रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, अब ये आप देखिए, ये जो फोटो सिस्टम वन है ये 700 नैनोमीटर वाली सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फोटो सिस्टम सेकंड जो है 680 नैनोमीटर वाली सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब मेन फोटो सिस्टम वन का 700 नैनोमीटर होगा और टू का 680 नैनोमीटर होगा। अब हम मेन पढ़ते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। उससे पहले एक चीज और रह गई है कि रिएक्शन जो स्टार्ट होगी वो फोटो सिस्टम सेकंड में पहले होती है, फोटो सिस्टम वन में दूसरी होती है, बाद में होती है, सेकंड टर्न पे होती है। ठीक है, बट क्योंकि डिस्कवरी फोटो सिस्टम सेकंड के बाद में हुई इसलिए इसका नाम फोटो सिस्टम सेकंड रखा गया। Now, क्या रिएक्शन है इसकी? इसके अंदर आपको दो जो है फॉस्फोराइलेशन पढ़ने, कौन कौन से? एक तो साइक्लिक फॉर्म में होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, एक होगा नॉन साइक्लिक फॉर्म में। तो जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है वो आपका होता है साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, और फोटो सिस्टम वन जो होता है वो होता है साइक्लिक। तो इन दोनों के मुझे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, आप लोग देख जी, आप लोग देखिए मैंने ड्रॉ किया है फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम वन। तो फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर रिएक्शन पहले स्टार्ट होती है, बट ये क्या है, डिस्कवर लेटर हुआ था इसलिए इसका नाम फोटो सिस्टम सेकेंड रखा गया था। इसका रिएक्शन सेंटर क्या है, 680 नैनोमीटर। हम रिएक्शन सेंटर को पी से डिनोट करते हैं और 680 नैनोमीटर वाला रिएक्शन सेंटर है, मतलब ये 680 नैनोमीटर की सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा। जैसे इसने ये सनलाइट एब्जॉर्ब की तो फर्स्ट स्टेप याद करिए, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुआ और अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो वहां होता है एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कोई ना कोई वहां पे प्रेजेंट होगा। सो देयर इज अ प्लास्टोक्विनोन, इसे हम पी क्यू से भी डिनोट करते हैं। प्लास्टोक्विनोन इज नोन एज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट इज नोन एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम सेकंड। ठीक है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिया अपना तो ये क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो चलता रहेगा। जैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया ये रिड्यूस हो गया, अब ये बोला कि मैं रिड्यूस क्यों रहूं, मैं वापस ऑक्सीडेशन में जाऊंगा तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करूंगा। तो इसने जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज किए अपने, ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और उसको जो एक्सेप्ट किया साइटोक्रोम B6 ने, साइटोक्रोम B6 भी रिड्यूस हुआ और इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो कर दिए साइटोक्रोम F को। अब यहाँ देखिए साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में एक ATP फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एक ATP बनाते हैं।
अब ये साइटोक्रोम एफ अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है प्लास्टोसाइनिन को, इसे हम पीसी से डिनोट करते हैं। और प्लास्टोसाइनिन कहाँ दे देता है, फोटोसिस्टम वन को अपने दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और कहाँ चले गए, फोटोसिस्टम वन के अंदर, वापस इसके पास नहीं आए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन साइक्लिक। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये तो कहानी हुई कहां तक, फोटोसिस्टम सेकंड। अब हम बात करते हैं फोटोसिस्टम वन की, कि फोटोसिस्टम वन में सनलाइट आई, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखिए आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ये इसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास वापस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, तब तो रिएक्शन वापस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाएगी, अदरवाइज रिएक्शन स्ट्रोमा में चली जाएगी। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कि आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और वो इलेक्ट्रॉन है फेरेडॉक्सी, एफ डी को हम लिखते हैं फेरेडॉक्सिन। तो फेरेडॉक्सिन ने ले ली इलेक्ट्रॉन, कितने, इसके दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक एटीपी फॉर्मेशन हो गया। अभी फेरेडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन वापस साइटोक्रोम बी सिक्स को देता है, साइटोक्रोम बी सिक्स एफ को देता है, वहां पे एटीपी फॉर्मेशन होता है, और प्लास्टोसाइनिन को देता है, प्लास्टोसाइनिन से वापस अपने अंदर आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ से घूम करके वापस इलेक्ट्रॉन इसी के पास चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इसी के पास चल रहा है, तो ये क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज अ साइक्लिक फॉर्म, कौन सी है, फोटोसिस्टम वन जो होता है वो साइक्लिक होता है, और फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है इट इज अ नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी जो है एक्सेप्टर कौन सा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर इसके पास ये फेरेडॉक्सिन अवेलेबल नहीं है, या फिर फेरेडॉक्सिन के आगे साइटोक्रोम बी सिक्स नहीं है, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रोमा की तरफ मूव करते हैं, और फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब फोटो हाइड्रोलाइसिस होता है वाटर का, तो इससे रिलीजिंग दो हाइड्रोजन इसके पास जाते हैं, प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन, और NADPH पॉजिटिव रहता है, और इससे मिलके NADPH2 बन जाता है, और यही तो हमने बनाना था, दिस इज द एनर्जी करेंसी, यही हमें बनाना था, तो ये बन जाता है। तो आप देखिए किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कंप्लीट जो है रिसाइकल होता रहता है, और किस तरीके से इसके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा है, फोटोसिस्टम सेकंड में कौन सा है, प्लास्टोक्विनोन, इसके अंदर कौन सा है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर कितनी एटीपी बनती है, देयर इज अ सिंगल एटीपी फॉर्मेशन, सिर्फ ये यहाँ पे बनती है। फोटोसिस्टम टू के अंदर देखिए एक एटीपी ये बन जाएगी और एक एटीपी ये बन जाएगी। ठीक है, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, इसका 680 होता है, इसका 700 नैनोमीटर, क्लियर, इसकी डिस्कवरी पहले हुई, इसकी डिस्कवरी बाद हुई। अब जो ऊपर की तरफ रिएक्शन है इन्हें हम कहेंगे अपहिल रिएक्शन, और ये जो नीचे की तरफ आती है इसे हम कहेंगे डाउनहिल रिएक्शन। अपहिल रिएक्शन एंड डाउनहिल रिएक्शन। दूसरी, अब ये जो कंप्लीट हम साथ में बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं जेड स्कीम, दिस इज नोन एज जेड स्कीम रिप्रेजेंटेशन, जेड स्कीम भी कहा जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको फोटोसिस्टम वन को एक्सप्लेन करना है, तो आप इतना नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि फोटोसिस्टम टू को एक्सप्लेन करना है, आप सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। बट अगर क्वेश्चन आता है जेड स्कीम को एक्सप्लेन करना है, तो आप एक कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन देंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? सो
आप लोगों को जो है ये कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये हमारी फोर्थ रिएक्शन थी। अब फिफ्थ रिएक्शन आती है, रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन इफेक्ट। रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट। क्या है रेड ड्रॉप इफेक्ट? तो ये दोनों इफेक्ट इमर्सन में थे, ठीक है। रेड ड्रॉप इफेक्ट ये कहता है कि इसके अंदर हम मोनोक्रोम सनलाइट यूज करेंगे। मोनोक्रोम सनलाइट का मतलब है सिर्फ एक ही कलर की सनलाइट है और वो है रेड सनलाइट। अगर हम इसको शॉर्ट वेवलेंथ वाली, अगर मैं शॉर्ट वेवलेंथ वाली सनलाइट इसको दे रही हूँ रेड कलर की एक प्लांट को, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। कब? जब शॉर्ट वेवलेंथ की सनलाइट दी है। मोनोक्रोमेटिक सनलाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज गिवन टू अ प्लांट, देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्रीजेस इन रेड लाइट। बट फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, सेकंड कंडीशन ये है। और ये जो डिक्रीज हो रही है ना सनलाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप इफेक्ट। किसने दिया था? इमर्सन ने दिया था, इमर्सन साइंटिस्ट था, इसी को रेड ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि शॉर्ट वेवलेंथ मोनोक्रोम ही यूज कर रहे, शॉर्ट वेवलेंथ प्लस लॉन्ग वेवलेंथ क्या है? ये भी रेड लाइट है शॉर्ट वेवलेंथ वाली, ये भी रेड लाइट है लॉन्ग वेवलेंथ वाली। इन दोनों को मिक्स करके जब हम एक प्लांट को देंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस सो मेनी टाइम्स एज कंपेयर टू इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन से भी ज्यादा सनलाइट, रेड सनलाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। इसे हम कहते हैं इमर्सन इफेक्ट, ठीक है। ये आपका लाइट रिएक्शन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है डार्क रिएक्शन, जिसके अंदर हम डार्क रिएक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? C3 साइकिल, C4 साइकिल और C2 साइकिल। ये जो आपने ये अभी ये पढ़ा है जेड स्कीम, इसको हम ETS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप देखो सब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है, तो बट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर है। सेम ऐसा ही ETS हमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। मैंने आपको लाइट रिएक्शंस तक जो है कंप्लीट करवा दिया। ओके बाय।